आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गाइस इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑफ जेई मेन एग्जाम सो क्वेश्चन गिवन टू अस इज व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड बाय लेंस कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर f1 F, f2 आर फोकल लेंस

जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड है वो कॉन्वेक्स uh, लेंस से 20 सेंटीमीटर अवे प्लेस्ड है तो uh, हमें ये बताना है कि फाइनल इमेज जो होगी इस ऑब्जेक्ट की वो पे जो रखा हुआ है ठीक है उसकी कहाँ पे बनेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है एलवन के लिए ठीक है लेंस से जो इमेज बनेगी वो इमेज एल टू के लिए लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट का, का काम करेगी और फिर उससे फाइनल इमेज निकालेंगे हम लेंस टू के लिए और वो कॉम्बिनेशन से जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो फाइंड हो जाएगी हमें ठीक है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं सबसे पहले लेंस वन के लिए एल वन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला जो की आपका सीधा सीधा लिख सकते हैं आप वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इजिकल्स टू वन अपॉन एफ वी यू और एफ को हमें साइन के साथ रखना है हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है वी फाइंड करना है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं वन अपॉन वी इज टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू और वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन एज यू एफ अपॉन यू प्लस एफ एफ और यू को हमें साइन के साथ रखना है तो यू क्या है देखो जब भी हम जब भी जो रे है वो उसकी डायरेक्शन में जाते हैं हम सारी सारी जो डिस्टेंसेज हैं हम पोल से कैलकुलेट करते हैं जब भी हम रेज की डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं डिस्टेंसेज को तो ये जो ओ पॉइंट है ठीक है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे डिस्टेंसेज कैसे निकल इससे रेज कैसे निकलेंगी इस तरह इस डायरेक्शन में निकलेंगी ठीक है और हमें कैलकुलेट करने के लिए पोल से इधर जाना पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट प्लेस रख, रखा हुआ है जिस डिस्टेंस पे यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ लेंस वन है वो क्या है वो है माइनस ट्वेंटी क्योंकि इससे रेस इस डायरेक्शन में निकल रही है और हमें कैलकुलेट करने के लिए मेजर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है तो माइनस आ गया यू एफ ऑलरेडी दे रखा है प्लस तो हम निकाल सकते हैं वी की वैल्यू माइनस ट्वेंटी इंटू फाइव डिवाइडेड माइनस ट्वेंटी प्लस फाइव ठीक तो है फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही है कॉन्वेक्स लेंस की तो ये हो गया माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय माइनस फिफ्टीन तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड इट कैन कम आउट एज ट्वेंटी बाई थ्री ठीक है तो ट्वेंटी बाई थ्री सेंटीमीटर पे क्या बनेगा पहला इमेज बनेगा लेंस वन से जाने के बाद अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्वेंटी बाई थ्री जो है ये क्या है आपका पॉजिटिव आया है ठीक है पॉजिटिव आया है ट्वेंटी बाई थ्री तो इसका मतलब जो लेंस वन है उसके पोल से हमें किधर जाना पड़ेगा राइट में जाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि सारी रेज ऐसे जा रही है राइट में जा रही है तो राइट में पॉजिटिव होगा पोल से और लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव होगा ठीक है तो पोल से ट्वेंटी बाई थ्री सेंटीमीटर पे ठीक है और वहां पे पहली इमेज बन रही है और जो आपका दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है वो है टू सेंटीमीटर चलिए एक बार हम इसका फिर से डायग्राम बना के और अच्छे से समझ लेते हैं ये पहला लेंस है हमारा लेंस वन बोल देते इसको ठीक है और यहाँ पे हमारा दूसरा लेंस रखा हुआ है इसको लेंस टू बोल देते हैं ठीक है एक कॉन्वेक्स लेंस है एक कॉन्केव लेंस है ये इनकी सेंट्रल एक्सिस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था कोई लेटर्स अज्यूम ठीक है ओ पॉइंट पे डिस्टेंस थी ट्वेंटी सेंटीमीटर और दोनों मिरर लेंस के बीच की डिस्टेंस थी टू सेंटीमीटर और जो इमेज बन रही है वो बन रही है ट्वेंटी बाई थ्री कि ऑलमोस्ट से ट्वेंटी बाई थ्री सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनेगी ठीक है अब देखो यहाँ से ट्वेंटी बाई थ्री है तो इस वाले लेंस के लिए एल टू के लिए ये इमेज क्या करेगी ऑब्जेक्ट का काम करेगी अब इस इमेज की डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करनी है एल टू से तो कैसे फाइंड करूंगा सीधी सीधी ट्वेंटी बाई थ्री माइनस टू यानी कि फोर्टीन बाई थ्री ओके अब हमें लेंस टू के लिए ये फॉर्मूला लगाना है लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन जिससे हम फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड कर पाए ठीक है तो अगेन फॉर्मूला वही है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्व टू वन अपॉन एफ ठीक है अब इनको साइन के साथ रख देते हैं वी हमें फाइंड करना है वन अपॉन वी एज इट इज ठीक है और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्टीन बाई थ्री यानी कि वन अपॉन फोर्टीन बाई थ्री इज इक्वल्स टू वन अपॉन माइनस फाइव गिवेन है ठीक है देखो फोर्टीन बाई थ्री पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सारी रेस इस डायरेक्शन में जा रही है और हमें इस पोल से इसलिए जाना पड़ रहा है लेंथ को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वन अपॉन वी की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी माइनस वन अपॉन फाइव प्लस थ्री अपॉन फोर्टीन ओके तो इसको और आगे सॉल्व करने पे वन अपॉन वी इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 70, and it becomes minus 14, plus, आ, ये हो गया 5 times, तो फिफ्टीन ठीक है तो आ गया आपका वन बाई सेवेंटी तो वन बाई वी की वैल्यू आ गई 70 तो वी की वैल्यू आ ऑब्वियसली सेवेंटी सेंटीमीटर यानी कि सेवेंटी सेंटीमीटर पे जो फाइनल इमेज है वो आप ट्रेस कर सकते हैं तो ऑप्शन के थ्रू आप फाइन आ, पता लगा सकते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका इज सेवनटी सेंटीमीटर फ्रॉम बी पॉइंट एट लेफ्ट तो 70 सेंटीमीटर कहां बनी है पॉजिटिव आ रहा है 70 सेंटीमीटर और हम पोल से हमेशा राइट में क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव ले चल रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि 70 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एट राइट तो ये बात तो सही है कि आ, फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है 70 सेंटीमीटर में राइट में बनेगी इमेज अब ये रियल होगी या वर्चुअल कैसे पता चलेगा देखो देखो लेंस से हमेशा क्या होता है लेंस कोई भी हो ठीक है अगर आ, इस डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका हमेशा इमेज लेंस के जो पोल है उसके अपोजिट साइड में बन रहा है तो आपकी हमेशा इमेज क्या होती है रियल होती है और अगर उसका ऑब्जेक्ट उब्जे, का इमेज उसी डायरेक्शन में बना जहाँ पे वो रखा हुआ है तो वो वर्चुअल होती है ठीक है तो ऑब्वियसली ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर 70 लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर